dear students and faculty members of various SES colleges who are watching this channel. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी पे इस विशेष व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है. इस व्याख्यानमाला में पूर्व में कई व्याख्यान डिलीवर किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस समय समय पर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं. आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जीन की स्ट्रक्चर और जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक जीन रेगुलेशन या जीन का नियंत्रण एक कोशिका में कैसे होता है. जीन रेगुलेशन अब जीन रेगुलेशन की एक्चुअल मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूं, उससे पहले जीन के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि जीन क्या है, जीन के सब यूनिट्स क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या है. तो सबसे पहले व्हाट इज जीन, जीन क्या है. जीन, जैसा कि अपन जानते हैं कि जीन इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट और पर्टिकुलर करेक्टर. यानी जीन क्रोमोसोम की वह सबसे छोटी इकाई है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है तथा एक विशेष लक्षणों के नियंत्रण के लिए ये उत्तरदायी होती है. अब अपनी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर चाहे स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट के हों, चाहे फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट के हों, चाहे बायोलॉजिकल आस्पेक्ट के हों, प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण जो होता है वो जीन्स के द्वारा होता है. और जीन की अभिव्यक्ति हमेशा प्रोटीन के रूप में होती है. जीन कभी भी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं करता है, जीन कभी भी लिपिड का संश्लेषण नहीं करता है. हाँ, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड प्रोटीन के साथ असेंबल हो सकते हैं ट्रांसलेशन के बाद में, क्योंकि पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ जब लिपिड अटैच होती है तो वो लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन जीन का जो फंडामेंटल जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है. इसलिए जीन क्रोमोसोम की वह सबसे छोटी इकाई है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है और एक विशेष करेक्टर्स के लिए, पर्टिकुलर ट्रैक्ट के लिए, पर्टिकुलर लक्षण के लिए ये उत्तरदायी होती है. अब पहले मानते थे कि जीन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन जो जो सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूल बायोलॉजी में रिसर्च हुई है, नई नई टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ है, उसके आधार पर ये पाया गया कि जीन स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है. जीन भी कई छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी होती है. तो जीन इज़ मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट्स और इन उप इकाइयों में जैसे एक यूनिट होती है सिस्ट्रॉन, एक यूनिट इसमें होती है रेकॉन, एक यूनिट इसमें होती है म्यूटॉन. तो जीन के अंदर ये तीन सब यूनिट्स हैं, या जीन इज मेड अप ऑफ दी सब यूनिट्स. सिस्ट्रॉन जीन का वो भाग है, या सिस्ट्रॉन जीन की वो यूनिट होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है. रेकॉन जीन की वो यूनिट है जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करती है. म्यूटॉन जीन की वो यूनिट होती है जो म्यूटेशन में पार्टिसिपेट करती है या जिसके अंदर उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है. तो ये जीन के तीन मेन सब पार्ट है, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन. सिस्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड रेकॉन इज दैट पार्ट ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन इवेंट और क्रॉसिंग ओवर इवेंट, एंड म्यूटॉन इज दैट पार्ट विच पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन. अब
एक जीन के अंदर एक सिस्टोन भी हो सकता है, एक जीन में एक से ज़्यादा सिस्टोन भी हो सकते हैं। तो जीन में यदि एक सिस्टोन हो तब इस यूनिट को बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक, मोनो सिस्टोनिक। जीन में जब एक से ज़्यादा सिस्टोन हो तो ये कहलाएगी पॉलीसिस्टोनिक। जो कई बार कुछ जीन में एक सिस्टोन है और एक सिस्टोन एक पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर देता है, कई बार जीन के अंदर सिस्टोन एक से ज़्यादा होते हैं और वो कई पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं। अब पॉलीसिस्टोनिक में भी कई बार क्या होता है, जितने भी सिस्टोन हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, सब में नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस एक जैसी होती है। उस केस में इस टाइप का जो सिस्टोन होगा ये कहलाता है होमो पॉलीसिस्टोनिक। और जब सिस्टोन अलग अलग प्रकार के हों तो इसको बोलेंगे हिट्रोपॉलीसिस्टोनिक। तो जीन्स में भी मोनोसिस्टोनिक, जीन्स में भी पॉलीसिस्टोनिक, एंड पॉलीसिस्टोनिक जीन्स में भी होमोपॉलीसिस्टोनिक एंड इट में भी पॉलीसिस्टोनिक हिट्रोपॉलीसिस्टोनिक। अब इन सिस्टोन के बीच में भी इंटरमैनिंग सीक्वेंस होती है जो कि नॉनसेंस प्रकार की होती है। कई बार प्रोकैरियोट के केस में दो सिस्टोन एक साथ कंटिन्यूस भी होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरवल नहीं है और इसमें एक का टर्मिनेशन कोडॉन और दूसरे का इनिशिएशन कोडॉन, उन दोनों के अंदर एडिनिन जो होता है वो एक कॉमन नाइट्रोजन बेस का काम करता है। और इस तरह के जब सिस्टोन होते हैं ओवरलैपिंग तो वहाँ पर एंटी टर्मिनेशन की घटना पाई जाती है। और इस तरह की परिस्थिति में एक जीन जो होता है वो कई प्रकार के प्रोटीन्स बना सकता है। तो आजकल ये कंसेप्ट भी चल रहा है कि क्या जितने जीन हैं उतने प्रोटीन्स मिलेंगे। जैसे मान लो अपनी बॉडी में 30,000 जीन हैं और एक जीन यदि एक प्रोटीन बनाता है तो हिसाब से अपनी बॉडी में 30,000 प्रोटीन्स होने चाहिए, लेकिन अपने शरीर में लगभग 1,00,000 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रकार के हैं, एंजाइमेटिक प्रकार के हैं, कैरियर प्रकार के हैं। अब दूसरी तरफ ईकोलाई बैक्टीरिया को आप देखो, ईकोलाई बैक्टीरिया का जो मेन जो क्रोमोसोम होता है उस मेन क्रोमोसोम में मुश्किल से 100 जीन हैं, लेकिन ये 100 जीन लगभग 5,000 के प्रोटीन्स बना सकते हैं। एक सामान्य बैक्टीरिया में 5,000 के प्रोटीन्स हैं और अपनी बॉडी में 1,00,000 प्रोटीन्स हैं, तो वहाँ पर एक जीन कई प्रोटीन्स बना रहा है, अपनी बॉडी में एक जीन कई प्रोटीन्स नहीं बनाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं एक जीन्स की। तो जीन इज मेड अप ऑफ सिस्टोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जीन इज मेड अप ऑफ मैनी रेकॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन इवेंट, एंड जीन इज मेड अप ऑफ म्यूटॉन विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। अब इनमें सिस्टोन जो है ये सबसे बड़ी इकाई है, सिस्टोन इज द लार्जेस्ट यूनिट, म्यूटॉन सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि डीएनए में जो म्यूटेशन होता है वो एक सिंगल नाइट्रोजन क्षार में भी हो सकता है, हैं जैसे आपके जो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन टाइप के जो म्यूटेशन है मान लीजिए एयूजी कोडॉन है और एयूजी कोडॉन में ग्वेनिन के स्थान पर सपोज साइटोसिन आ गया, साइटोसिन के स्थान पर थायमिन आ गया, तो एक नाइट्रोजन क्षार की अदला बदली हो सकती है, अलग अलग जीन्स की अदला बदली हो सकती है। इसलिए सिस्टोन है ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, म्यूटॉन जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि एक सिस्टोन में रेकॉन होते हैं, एक रेकॉन के अंदर म्यूटॉन होते हैं। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है जीन और जीन की सब यूनिट्स के बारे में। अब इस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके रेगुलेशन को एक तो मैं एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल देके, सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूँगा, और यही मैकेनिज्म फिर मॉलिकुलर लेवल पे कैसे होती है, जीन लेवल पे कैसे संपादित होती है उस पर मैं आपसे फोकस करूँगा। तो जनरली जीन का जो नियंत्रण है सेल में ये मुख्य रूप से दो टाइप से हो सकता है, एक तो बाय एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम के प्रेरण के द्वारा, बाय एंजाइम इंडक्शन
और सेकंड मैकेनिज्म इसमें हो सकती है बाय एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के अवमंदन के द्वारा। इन दोनों ही विधियों का हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला मेथड है जैसे बाय एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम के प्रेरण के द्वारा। सपोज ये कोई पेट्री डिश है, और इसके अंदर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इनका कल्चर किया जा रहा है, और इस कल्चर मीडियम में एनर्जी के सोर्स के रूप में ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, या इस कल्चर मीडियम में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। कल्चर मीडियम जो भी होता है उसके अंदर कार्बन का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग से एक पेपर चलता है, कल्चर मीडिया, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, और हर कल्चर मीडिया में 20-20 तरह के कम से कम केमिकल्स होते हैं, उनको अलग अलग वेट के हिसाब से तोल के इनको डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मान लो ये पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश के अंदर कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया को आप समर्थित कर रहे हो, और इसमें एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए पोषक पदार्थ आप ग्लूकोज को काम में ले रहे हैं। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया इस ग्लूकोज की यूटिलाइजिंग कर रहा है, इस ग्लूकोज को ये यूज कर रहा है, और इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है, और इसका जो ग्रोथ का जो कर्व है वो सीधे इस तरह का है, सिग्मोइड टाइप का, जो बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज में ले रहा है, और साथ में इस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के कारण इस बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन भी हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो रही है, और इसका जो ग्रोथ का जो कर्व है वो इस टाइप का आ रहा है। अब मान लो इस मीडियम में आपने इस ग्लूकोज को रिमूव कर दिया, इस ग्लूकोज को आपने हटा दिया, और इस ग्लूकोज के स्थान पर आपने इसमें लैक्टोज डाल दिया। ग्लूकोज है वो भी मोनोसैकेराइड है, इधर जो लैक्टोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल है, इधर जो लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल है। अब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए। अब पहले जब ग्लूकोज मीडियम था तो ग्लूकोज इजीली एब्जॉर्ब हो रहा था, इसका इजीली ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, और बैक्टीरिया एनर्जी को यूज करके उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी। अब ग्लूकोज के स्थान पर आपने लैक्टोज डाल दिया, अब लैक्टोज डाल दिया तो अपन देखते हैं कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, आधा घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, क्योंकि वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लेकिन आधा पौन घंटे बाद में देखते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होते हैं उनका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, और लैक्टोज जो होता है वो अपने कंपोनेंट ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इस ग्लूकोज को ये बैक्टीरिया यूटिलाइज करेगा और उसकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के स्थान पर जब लैक्टोज आपने डाल दिया तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का होगा, जैसे प्रारंभ में ग्लूकोज है, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, अब ग्लूकोज के स्थान पर आपने लैक्टोज डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ आधा पौन घंटा के लिए रुक जाएगी,
और इस आधा पौन घंटे के इंटरवेल में इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब बनना प्रारंभ हो जाएगा तो लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस लैक्टो इस मॉलिक्यूल का फिर ये बैक्टीरिया यूटिलाइजेशन करके इनके अंदर वापस जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जी ये जो पॉज आया ग्रोथ में, ये पॉज किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज का जब पाचन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मीडियम चेंज करने से किसी पर्टिकुलर एंजाइम का जो उत्पादन है वो प्रेरित हो रहा है, इसलिए घटना कहलाती है एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम का प्रेरण। तो माध्यम में जब ग्लूकोज था उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन जब ग्लूकोज के स्थान पर अपने लैक्टोज डाल दिया, अब इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इस बैक्टीरिया में देखते हैं कि इस एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ग्रोथ थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेंट रहती है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहती है, उसके बाद ये ग्रोथ फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। तो मीडियम में चेंज होने से किसी एंजाइम के संश्लेषण, एंजाइम के उत्पादन का प्रारंभ होना, ये घटना कहलाती है एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम का प्रेरण। तो एक तो ये मेथड होता है बैक्टीरिया में रेगुलेशन का, दूसरा जो रेगुलेशन का तरीका है ये होता है बाई एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के अवमंदन के द्वारा। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगा, मीडियम चेंज होने से, माध्यम में परिवर्तन होने से कई बार उस पर्टिकुलर एंजाइम का जो उत्पादन है वो उत्पादन रुक जाता है या अवमंदित हो जाता है। अब इसी कल्चर मीडियम में ये एग्जांपल लेते हैं सेम इसी पैटर्न का, लेकिन यहाँ पर मीडियम में सोर्स जो है वो दूसरी तरह का है, और मान लो ये कल्चर मीडियम है और इस कल्चर मीडियम में इस इकोलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, इसके अंदर कल्चर हो रहा है, लेकिन इस कल्चर मीडियम में अमोनियम लवण जो है वो यहाँ पर एज ए रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। तो ये कल्चर मीडियम, और इस कल्चर मीडियम में अमोनियम साल्ट है वो प्रेजेंट है सपोज, अब ये इकोलाई बैक्टीरिया इन अमोनियम लवणों में जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को ये काम में ले रहे हैं, और इस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करके ये बैक्टीरिया मान लीजिए टायरोसिन एमिनो एसिड बना रहे हैं, ये मान लीजिए एलानिन एमिनो एसिड्स बना रहे हैं। अब नाइट्रोजन से टायरोसिन का जब संश्लेषण हो रहा है उस केस में पर्टिकुलर एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो एंजाइम इस बैक्टीरिया में बन रहा है। अब मान लो थोड़ी देर बाद में आपने इस कल्चर मीडियम में इन अमोनियम लवणों को आपने रिमूव कर दिया, अमोनियम साल्ट का जो सप्लीमेंट था वो सप्लीमेंट आपने इस कल्चर मीडियम से रिमूव कर दिया, हटा दिया, और इस कल्चर मीडियम में आपने ये डायरेक्ट एमिनो एसिड जो है वो इसके अंदर डाल दिया, और मान लो इस कल्चर मीडियम में आपने टायरोसिन एलानिन ये आपने इस कल्चर मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। अभी इस केस में आप देखोगे कि पहले जो एंजाइम बन रहा था कौन सा एंजाइम, जो मान लो नाइट्रोजन कंटेंट को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एंजाइम पहले बन रहा था। अब आपने इस बैक्टीरिया को पका पकाया टायरोसिन आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो कल्चर मीडियम में, तो अपन देखते हैं कि इस बैक्टीरिया में टायरोसिन को सिंथेसिस करने वाला एंजाइम था उस एंजाइम का उत्पादन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन के कारण किसी एंजाइम के उत्पादन में कमी होती है या किसी एंजाइम के उत्पादन अवमंदित होता है तो ये घटना क्या कहलाती है, एंजाइम इनहिबिशन। ये घटना ठीक उसी तरह है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद में वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट आता है, तो बच्चे पूरे साल भर
स्ट्रगल से जूझते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब नोट्स बनाते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं। अब बाई चांस मान लो इन्हीं स्टूडेंट्स को एनुअल एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है वो पेपर मान लो इनको एक महीने पहले इनको प्रोवाइड कर दें स्टूडेंट्स को, क्यों पेपर आउट होते हैं कई बार। मान लो इन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में आने वाला पेपर एक महीने पहले ही बच्चों को दे दें तो डेफिनेटली ये बच्चे क्या करेंगे, केवल उस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को याद करेंगे, बाकी चैप्टर्स को छोड़ देंगे, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बैक्टीरिया को जब अमोनियम साल्ट रॉ मटेरियल के रूप में अवेलेबल था तो ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन साल्ट को यूज़ करके एमिनो एसिड का सिंथेसिस कर रहे थे, और यहाँ पर नाइट्रोजन साल्ट से एमिनो एसिड का जो सिंथेसिस है ये पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। लेकिन जब मीडियम में नाइट्रोजन अमोनियम साल्ट को रिमूव कर दिया और इस कल्चर मीडियम में इन एमिनो एसिड्स को आपने प्रोवाइड किया, अब इस बैक्टीरिया को इन एमिनो एसिड संश्लेषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पका पकाया रॉ मटेरियल इनको मिल रहा है। तो अपन देखते हैं कि मीडियम चेंज होने से इनके अंदर इस एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, इन एंजाइम का प्रोडक्शन अवमंदित हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, एंजाइम इनहिबिशन। इसलिए अपने बॉडी में भी जो डाइट लेते हैं वो डाइट बदल बदल के होनी चाहिए, ये नहीं हो कि पूरी ज़िंदगी भर सेम ही डाइट चले। तो कई बार ये भी देखा गया कि जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर सेम ही डाइट खाते हैं, सेम ही भोजन खाते हैं, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है वो समय के साथ साथ अवमंदित हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये दो मैकेनिज्म है इसमें रेगुलेशन की, एक तो एंजाइम के प्रेरण के द्वारा, दूसरी एंजाइम के इनहिबिशन के द्वारा। इसके अलावा एक मैकेनिज्म और है जिसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपनी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी हैं जो मल्टी स्टेप्स में संपादित होती है, और उन रिएक्शंस में 8-10 एंजाइम भाग लेते हैं। तो एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उस कंसंट्रेशन के द्वारा पहली रिएक्शन जो होती है वो कंट्रोल होती है, और इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपनी बॉडी में सपोज हाइपोथैलेमस के जो फैक्टर्स हैं, मान लो अब हाइपोथैलेमस के फैक्टर्स जैसे मान लीजिए थायरोक्सिन है सपोज, हैं इसका एक फ्लो चार्ट जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन TSHRH। ये फैक्टर आके कार्य करता है एडिनो हाइपोफाइसिस पे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग पे। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इससे सीक्रेट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये काम करता है थायराइड ग्लैंड पे जाके, और थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है T3 T4। अब मान लो T3 T4 का लेवल ब्लड में नॉर्मल लेवल से यदि ज़्यादा हो जाए उस केस में क्या होगा, हाइपोथैलेमस से TSHRH का सिक्रेशन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह ब्लड में यदि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल लेवल से डाउन हो जाए, उस केस में हाइपोथैलेमस से TSHRH का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, प्रेरित हो जाता है, और इस तरह का जो रेगुलेशन है इसको नेगेटिव फीडबैक के नाम से जाना जाता है। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के दौरान भी होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है 10 पदों में संपन्न होती है, क्रेब साइकिल है 10 पदों में संपन्न होती है। तो कई बार जो अंतिम उत्पाद जो होता है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता सेल में कितनी है, फ्लूइड मीडियम में कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन के द्वारा पहली जो रिएक्शन होती है वो अपने आप कंट्रोल होती है, और इस तरह का जो नियंत्रण होता है इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब
ये दो फंडामेंटल हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं एंजाइम इंडक्शंस के द्वारा, एंजाइम इनहिबिशन के द्वारा। एंजाइम इंडक्शन में आपने देखा कि मीडियम में परिवर्तन होने के कारण नए एंजाइम का प्रोडक्शन प्रेरित हो जाता है। एंजाइम इनहिबिशन में माध्यम में परिवर्तन के कारण किसी पर्टिकुलर एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो अवमंदित हो जाता है। अब ये दोनों ही प्रक्रियाएं प्रोकैरियोट में भी चलती है, यूकैरियोट में भी चलती है। अब ये एक्चुअल रेगुलेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है, जीन लेवल पे कैसे होता है? अपनी बॉडी में आप जो भी मॉलिक्यूल्स खाते हो सबके जीन्स हैं। आप लाइक लैक्टोज की डाइट यूज में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में लैक्टोज ओपेरोन है। आप माल्टोज ले रहे हो, माल्टोज ओपेरोन है। आप ट्रिप्टोफैन ले रहे हो, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। तो जो भी मॉलिक्यूल खाते हो, जैसा भी मॉलिक्यूल आप डाइट के रूप में ले रहे हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर जीन्स हैं। अब क्वेश्चन है कि आप कितनी वैरायटी भोजन की खाओगे? हैं, मेरे ख्याल से आप पूरी ज़िंदगी में 200-300 ज़्यादा वैरायटी का भोजन आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि भोजन की हज़ारों वैरायटी है, फ्रूट्स की हज़ारों वैरायटी है, बायो मॉलिक्यूल्स की हज़ारों वैरायटी है, और बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें सब मॉलिक्यूल्स के ऑपेरॉन जो है वो प्रजेंट हैं। और आपके चूँकि ये जो टॉपिक है यूजी लेवल पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके कोर्स में लैक्टोज ओपेरोन का जैसे एग्जांपल है, और लैक्टोज ओपेरोन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे संबंधित होता है, इसी तरह जो एमएससी के कोर्स चल रहे हैं उनमें लैक्टोज ओपेरोन के अलावा उनके अंदर ट्रिप्टोफैन ओपेरोन भी है और अलग अलग एमिनो एसिड्स के ओपेरोन भी है। तो ये दोनों ही मॉडल जो है वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, लैक्टोज ओपेरोन का। और लैक्टोज ओपेरोन में नेगेटिव रेगुलेशन भी है, पॉजिटिव रेगुलेशंस भी है। ये दोनों रेगुलेशन आणविक स्तर पर कैसे होते हैं, लैक्टोज ओपेरोन का जो जीन है, रेगुलेटर जीन है, वो कितनी यूनिट्स का बना हुआ है, उनके क्या क्या नॉमेनक्लेचर है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रेगुलेशन कैसे होता है, इस पर मैं आपसे शेयर करूँगा। अब ये जीन रेगुलेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपके एक्सप्लेन करूँगा। तो लैक्टोज ओपेरोन का मॉडल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपके कोर्स के हिसाब से। हाँ, पहली बात तो ये कि ओपेरोन क्या है, जीन की मैंने स्टार्टिंग में आपको सब यूनिट्स बताई हैं कि जीन में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली जो इकाइयाँ होती है वो सिस्टोन कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर को पार्टिसिपेट करने वाली इकाइयाँ रेकॉन कहलाती है, म्यूटेशन में पार्टिसिपेट करने वाली इकाइयाँ म्यूटोन कहलाती है, और इन सभी का जो सामूहिक जो रूप होता है क्लस्टर, उस क्लस्टर को ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, ओपेरोन के नाम से जाना जाता है। तो लैक्टोज ओपेरोन, अब लैक्टोज ओपेरोन है वो कोई सिंगल सिस्टोन नहीं है, ये कई सिस्टोन का बना हुआ है। इस लैक्टोज ओपेरोन को भी दो पार्ट है, इसका एक स्ट्रक्चरल पार्ट अलग है, इसका एक फंक्शनल पार्ट अलग है। स्ट्रक्चरल पार्ट वो होता है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, एंजाइम को सिंथेसिस करता है, और फंक्शनल पार्ट वो होता है जो स्ट्रक्चरल पार्ट को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली एक लैक्टोज ओपेरोन के अंदर 6 सिस्टोन हैं, ये एक सिंपल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए लैक्टोज ओपेरोन का जीन है, अब होने के तो इस जीन में भी नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन फिर ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा। ये मान लो लैक्टोज ओपेरोन का डीएनए या लैक्टोज ओपेरोन का जीन, और इस जीन के अंदर दो पार्ट है, आधा पार्ट तो इसका स्ट्रक्चरल है, आधा पार्ट इसका फंक्शनल है, और ये मान लीजिए इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, और स्ट्रक्चरल पार्ट है इसके अंदर 3 सिस्टोन होते हैं, सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई, सिस्टोन ए।
और इधर ये इसका फंक्शनल पार्ट है। और फंक्शनल पार्ट जो होता है इसके अंदर भी तीन यूनिट्स हैं, आई पी ओ। यहां पर आई का अर्थ है इंटीग्रेटर, आई फॉर इंटीग्रेटर या रेगुलेटर, यहां पर पी का अर्थ है प्रमोटर, यहां पर ओ का अर्थ है ऑपरेटर, तो कुल मिला के लैक्टोजोपेरोन 6 सिस्ट्रोन का बना हुआ है, जिसमें 3 सिस्ट्रोन इसके फंक्शनल पार्ट में है और 3 सिस्ट्रोन इसके स्ट्रक्चरल पार्ट में है। फंक्शनल पार्ट में जो सिस्ट्रोन है इंटीग्रेटर या ऑपरेटर, प्रमोटर ऑपरेटर। अब ये जो इंटीग्रेटर जो पार्ट है इसके अंदर भी दो सब पार्ट्स और होते हैं, इसको मैं यहाँ से ब्रेकेज करके जैसे दिखा रहा हूँ, इसमें एक जो पार्ट है ये तो कहलाता है सीआरपी, सीआरपी, और दूसरा जो पार्ट है ये कहलाता है CYA। इसका जो प्रमोटर पार्ट जो होता है इसके अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस पाई जाती है। अब सीआरपी जो होता है इस सिस्टोन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है ये 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। अब मान लो मीडियम के अंदर ग्लूकोज है, पहले वाले एग्जांपल पे हम चलते हैं, कल्चर मीडियम था और उस कल्चर मीडियम के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे और ईकोलाई बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज में ले रहा था और बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ संपादित हो रही थी। अब कल्चर मीडियम में जब ग्लूकोज हैं उसमें क्या होगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रहा है ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर स्थल पर आकर जुट जाता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर स्थल पर आकर जुट जाता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर स्थल पर जुड़ गया तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि जगह एक ही है, उसी जगह पे या तो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ सकता है या उसी जगह पे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो जुड़ सकता है। अब माध्यम में जब ग्लूकोज है, मीडियम में जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, हैं इसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूँ, जैसे मीडियम में जब ग्लूकोज प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर स्थल पर आकर जुड़ जाता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर स्थल पर आकर जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने के लिए जगह नहीं है। अब आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के साथ नहीं जुड़ेगा तो न तो ये जो तीनों सिस्ट्रोन है इसके अंदर न तो कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जब नहीं होगा
तो तीनों सिस्टम से बनने वाला जो mRNA होता है वो नहीं बनेंगे। नो मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA जब नहीं बनेंगे तो इन तीनों सिस्टम से बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। नो एंजाइम्स। तो कहने का अर्थ है इसके अंदर न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न ट्रांसलेशन होगा और तीनों एंजाइम्स का यहाँ पर संश्लेषण नहीं होगा। ये कंडीशन कब है? जब माध्यम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और माध्यम में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब इन तीनों सिस्टोन से जो एंजाइम जो बनते हैं, इसमें जो जेड सिस्टोन है इससे जो एंजाइम बनता है वो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई सिस्टम से जो एंजाइम बनता है ये एंजाइम होता है परमीएज, और ए सिस्टम से जो एंजाइम बनता है ये एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, परमीएज एंजाइम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है ये एसिटिल ग्रुप के ट्रांसफर से रिलेटेड है। अब मीडियम में जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, मीडियम में जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इस इंटीग्रेटर जीन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर स्थल पर आकर जुड़ गया। अब ऑपरेटर स्थल ऑक्यूपाई हो गया, इस ऑपरेटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के उड़ने के लिए जुड़ने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इस पर अटैच नहीं होगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, और ये तीनों एंजाइम यहाँ पर नहीं बनेंगे। अब मीडियम में आपने ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज डाल दिया है, तो ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय लैक्टोज। अब ग्लूकोज के स्थान पर आपने लैक्टोज डाल दिया। अब लैक्टोज क्या करता है? यहाँ पर इंड्यूसर का काम करता है, और इस लैक्टोज के कारण ये जो रिप्रेसर जो प्रोटीन था इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है, और लैक्टोज की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ जाती है। और मान लीजिए इसकी आकृति इस तरह की होगी, पहले ये रिप्रेसर प्रोटीन मान लीजिए रोम्बोइडल शेप का था है, चतुर्भुजी आकृति का था। अब ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज डालती इसकी जो आकृति है वो थोड़ी ईंट की जैसी होगी। अब रिप्रेसर प्रोटीन की आकृति जब चेंज हो गई तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर जुड़ने में कैपेबल नहीं है, और रिप्रेसर प्रोटीन जब यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा तब इस स्थान पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। अब इस पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ गया तो जेड वाई ए इन तीनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तीनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो तीनों सिस्टम से अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग आरएनए बनेंगे, और इन तीनों आरएनए से अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम सिंथेसाइज होगा। अभी इस केस में आप देख रहे हो जेड सिस्टम से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना, इसी तरह वाई सिस्टोन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ,
अपने कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए बना, इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन हुआ और परमिएज एंजाइम बना, इसी तरह एस हिस्टोन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए बना और इस एमआरएनए में ट्रांसलेशन के द्वारा ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बना। तो पहले जो एग्जाम्पल मैंने बताया था हाइपोथेटिकल, उसमें मैंने क्या बताया था कि माध्यम में जब ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज डाल देते हैं तो बैक्टीरिया की थोड़ी देर के लिए तो ग्रोथ रुक जाती है, आधा पौन घंटा के लिए, लेकिन आधा पौन घंटा पे बाद में इसकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या था कि माध्यम में ग्लूकोज के स्थान पर जब लैक्टोज डाल दिया तो बैक्टीरिया पे एक तरह का प्रेशर पड़ा। कैसा प्रेशर? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को बनाने के लिए। तो लैक्टोज जब मीडियम में आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो यहाँ पर तैयार है। अब लैक्टोज का डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा, लैक्टोज बनेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाएगी। और परमिएज जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को बढ़ाता है, परमेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंजाइम इंडक्शन का, यानी माध्यम में परिवर्तन होने से किसी नए एंजाइम के उत्पादन में वृद्धि। और इस तरह का जो रेगुलेशन है ये नेगेटिव रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो लैक्टोज ऑपेरिन का ये जो मॉडल है ये नेगेटिव रेगुलेशन का मॉडल है। एक इसका पॉजिटिव रेगुलेशन का मॉडल भी है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। अब इसका पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो साइक्लिक एमपी पे डिपेंडेंट होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इस लैक्टोज ऑपेरोन का पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है, ये मॉडल थोड़ा नेगेटिव रेगुलेशन से डिफरेंट है, स्लाइट डिफरेंट। अब इसमें मैंने आपको बताया कि लैक्टोज ऑपेरोन का ये जो प्रमोटर पार्ट है इंटीग्रेटर, इसके अंदर दो सब डिवीजन हैं, दो सब यूनिट्स हैं, एक तो है सीआरपी, एक है सीवाईए। अब सीआरपी में जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है। इसी तरह सीवाईए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है इनके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा भी मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब सीआरपी से जो मैसेंजर आरएनए बना, इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के द्वारा इससे बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये चार यूनिट का बना होता है, चार पॉलीपेप्टाइड का ये बना होता है, इसको मैं शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ सीआरपी, यानी कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन। और इधर सीवाईए जीन से जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस मैसेंजर आरएनए के द्वारा बनता है एडीनिल साइक्लेज एंजाइम, एडीनाइल साइक्लेज एंजाइम। अभी एडीनिल साइक्लेज जो होता है ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक ईएमपी में, एटीपी को ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक ईएमपी में। अब ये जो साइक्लिक एमपी होती है ये इस सीआरपी प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकती है, इस सीआरपी प्रोटीन के साथ, कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ साइक्लिक एमपी जो है ये अटैच हो सकती है। और साइक्लिक एमपी को मैं यहाँ तीर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज ये जो एरो है, दिस एरो इज साइक्लिक
EMP। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो बना, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? CEMP CRP कॉम्प्लेक्स। अब ये जो CRP CMP कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस प्रमोटर साइट के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि प्रमोटर साइट में इसके जुड़ने के लिए जगह अवेलेबल है। अब ये CRP CMP जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस प्रमोटर स्थल के साथ जुड़ सकता है, और ये CRP CMP कॉम्प्लेक्स इस प्रमोटर साइट के साथ ये अटैच हो गया। अब ऑपरेटर जो साइट थी, पहले वाले केस में तो आपने क्या देखा, नेगेटिव रेगुलेशन में ये जो कैटाबोलिक रिप्रेसर जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन ऑपरेटर स्थल पर लग रहा था। अब ऑपरेटर स्थल पर लग गया तो आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ZYA के अंदर न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न ट्रांसलेशन होता है। अब ये यहाँ पर अटैच हो गया। अब ऑपरेटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर अब जुड़ सकता है। आरएनए पॉलीमरेज, इसको शॉर्ट में मैं आरपी लिख रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस ऑपरेटर स्थल पर जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो ZYA जो सिस्ट्रोन है, इन तीनों सिस्ट्रोन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके अंदर तीन मैसेंजर आरएनए बनेंगे, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका एमआरएनए बना, वाई के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका अपना एमआरएनए बना, ए सिस्ट्रोन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका अपना एमआरएनए बना। तो स्ट्रक्चरल जीन के तीनों सिस्ट्रोन ZYA, इन तीनों में अपना अपना इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्शन होता है, तीन मैसेंजर आरएनए बनते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब इन तीनों मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो ये अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम का संश्लेषण करेंगे, और जेड सिस्ट्रोन जो होता है ये बनाता है बीटा ग्लेक्टोसाइडेज, इट सिंथेसाइज बीटा ग्लेक्टोसाइडेज। वाई सिस्ट्रोन जो होता है ये बनाता है परमिएज एंजाइम, और ए सिस्ट्रोन जो होता है इसका एमआरएनए बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल पॉजिटिव रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो लैक्टोज ऑपेरॉन के रेगुलेशन के दो मॉडल हो गए, एक तो नेगेटिव रेगुलेशन, एक पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में तो क्या होता है कि ग्लूकोज मीडियम है और ग्लूकोज के स्थान पर आपने लैक्टोज डाल दिया तो जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, और रिप्रेसर प्रोटीन का जब विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर स्थल पर जुड़ने में सक्षम नहीं होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है और इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ये पॉजिटिव रेगुलेशन। अब कई बार क्या होता है कि मीडियम में ग्लूकोज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माध्यम में ग्लूकोज है तो बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का एंजाइम का यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। माध्यम में ग्लूकोज है तो बीटा ग्लेक्टोसाइडेज एंजाइम का उत्पादन हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। अब ये रेगुलेशन का तरीका क्या है, इसका जो रेगुलेटर जो जीन है आई, इसके दो सब पार्ट हैं CRP CYA,
सीआरपी के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन्स बनता है, सीवाईए के द्वारा एडीनिल साइक्लेस बनता है, और एडीनिल साइक्लेस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। साइक्लिक एएमपी इस कैटाबॉलिक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंधित हो जाती है और इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, साइक्लिक एएमपी सीआरपी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर स्थल पर जुड़ने की बजाय ये प्रमोटर स्थल पर जुड़ जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जब प्रमोटर स्थल पर जुड़ गया, ऑपरेटर स्थल खाली पड़ा है, और इस ऑपरेटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। जो ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, जेड वाई ए इन तीनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए बनेंगे, इन तीनों मैसेंजर आरएनए में फिर ट्रांसलेशन होता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम बनेंगे। जेड सिस्टोन से बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनता है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, वाई एंजाइम से परमेज एंजाइम बनता है जो परमेबिलिटी को चेंज करता है, और एस सिस्टोन से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है जो एसिटिल ग्रुप के ट्रांसफर से संबंधित होता है। तो ये ओवरऑल लैक्टोज ऑपेरोन का एक मॉडल। अब बैक्टीरिया को चूँकि कल्चर मीडियम में आप कोई भी मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर सकते हो, माल्टोज प्रोवाइड कर सकते हो, सुक्रोज प्रोवाइड कर सकते हो, ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड कर सकते हो, फिनाइल एलानिन प्रोवाइड कर सकते हो, हर मॉलिक्यूल के लिए एनिमल्स के अंदर अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। इसलिए आप जो भी चीज़ खा रहे हो हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में एंजाइम अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन मोनोटोनस पूरी ज़िंदगी भर एक ही डाइट चलती रहे, एक ही तरह का खान पान चलता रहे, तो कई बार ये देखा हो गया है कि कुछ जीन जो होते हैं उनका प्रोडक्शन इनहिबिट रहता है पूरी ज़िंदगी भर, और समय के साथ साथ वो जीन निष्क्रिय भी हो जाते हैं। अब डायबिटीज़ का कोई मीठा खाने से कोई संबंध नहीं है, वैसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन प्रोटीन तो बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, और इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये नहीं कि मीठे मीठे खाओ तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ ठीक है, कंट्रोल होता रहे वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक सिंपल मॉडल के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जीन क्या है, जीन की स्ट्रक्चर कैसी है, जीन के सब यूनिट कैसी है, जीन की रेगुलेशन की मैकेनिज्म है इंडक्शन के द्वारा, इनहिबिशन के द्वारा, और एंजाइम का इनहिबिशन और इंडक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है, ये मैंने आपको लैक्टोज ऑपेरोन के द्वारा एक्सप्लेन किया है। अब इस तरह का रेगुलेशन यूकैरियोट में भी मिलता है, क्योंकि ये मॉडल तो मैंने प्रोकैरियोट का एक्सप्लेन किया है बैक्टीरिया का। अब अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इस तरह के जीन रेगुलेशन होता है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अपनी बॉडी के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। बैक्टीरिया में तो ठीक है एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, उसमें जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन अपनी बॉडी में समजातकुंड सूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, इन समजातकुंड सूत्रों के जोड़ों पे जीन्स प्रेजेंट हैं। हो सकता है एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन हो सकता है दूसरे पे रिसेसिव जीन हो। तो अपनी बॉडी में जीन की जो कॉम्बिनेशन है, एलील की जो कॉम्बिनेशन है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, हिट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, होमोजाइगस रिसेसिव प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी डिफरेंट प्रकार की होती है, और इसके लिए एक अलग से एक मॉडल भी प्रपोज किया गया है, ब्राइटन और डेविडसन मॉडल का। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन कैसे होगा, इस पर मैं एक अलग से व्याख्यान आपको मैं डिलीवर करूँगा। और अपनी बॉडी में जीन लेवल पे रेगुलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन होता है, तो कई जगह नियंत्रण होता है, और उसके बाद में इतने हायर लेवल के एनिमल्स में कितनी सेल्स हैं, कितने जीन्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि अब हर जीन की कार्य प्रणाली का है वो पता लग चुका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा कोई भी जीन नहीं है जिसकी सीक्वेंसिंग का आपको पता नहीं हो, उसके सब यूनिट्स का पता नहीं हो, उसका रेगुलेशन कैसे होता है पता नहीं हो। तो ये पूरा डिटेल नॉलेज इंटरनेट के ऊपर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डिटेल ऑनलाइन है उसमें अवेलेबल है, क्योंकि प्रिंटेड पेज हैं वो 30 लाख के आसपास, और 30 लाख पेज एक आदमी पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकता। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ आज का व्याख्यान आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और फिर भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो, तो आप निसंकोच आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय का चैनल आप नियमित रूप से देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए,
और वीडियो प्रोडक्शंस में कोई कमी है तो उन कमी को भी आप हमें इंडिकेट करते रहें ताकि आगे जो नए वीडियो बने उन कमियों को हम सुधारें। कि हमारा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसाइज नॉलेज हैं वो रेक्टिफाइड वे में, बहुत ही सिंपल वे में आप तक पहुँचे, ये हमारा मेन मकसद है। एक बार अंत में आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।